एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंदूक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंदूक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। ये देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूक कह गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही हैं। कहानी से सीख: कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।